पिछले 15 मार्च से लेकर के जीबी पंत हॉस्पिटल के प्रशासन को नर्सेज यूनियन द्वारा बार बार आगाह किया जा रहा है कि जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर नॉन कोविड पेशेंट के साथ में जो पॉलिसीज गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी हुई है वो लागू की जाए। सरकार द्वारा बिल्कुल जीबी पंत हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जैसा कि हमने देखा पिछले 3 दिन के अंदर 3 वार्ड के अंदर कुछ पेशेंट इन्फेक्टेड हो गए हैं, पॉजिटिव आए हैं, उसके साथ में डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के जब सरकार से जीबी पंत के प्रशासन और एमएस से बात की गई, वो नदारद हैं। यहाँ पे 3 दिन से हम उनके पीछे लगे हुए हैं, कोई गाइडलाइन दे दो, कोई इंस्ट्रक्शन दे दो, टेस्ट तक नहीं हो रहे हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के। जो डॉक्टर्स पॉजिटिव यहाँ पे आया, उसके जो टेस्ट में आया था, जिसके साथ उन्होंने काम किया था जिन स्टाफ ने, वो यहाँ से उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, उसको एडमिट करा दिया गया। लेकिन उसके टेस्ट में जो डॉक्टर जो पॉजिटिव है, उसके टेस्ट में जितने भी लोग आए थे उनमें से किसी के भी टेस्ट नहीं हुए। यहाँ जो पेशेंट पॉजिटिव आया था उसके साथ में उसका जो इलाज जिन स्टाफ ने नर्सिंग स्टाफ ने किया, उनका भी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई उन स्टाफ की भी, और उसके पेशेंट के टेस्ट में जो स्टाफ आए हैं उनको न क्वारंटाइन किया गया, न ही उनके कोई टेस्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो परेशानी आ रही है, हमारे वन बाई वन जो ICU 6 में स्टाफ काम कर रहा था जहाँ पेशेंट पॉजिटिव था, उसके बारे में बात करूँगा। हमारा बताओ, एक तो हमारे यहाँ जो पेशेंट पॉजिटिव आया था उसको हम लोग ज़बरदस्ती बोल के इनके टेस्ट भेजते हैं, डॉक्टर्स आर नॉट एग्री टू सेंड द टेस्ट। और जब उन्हें भेजा वो पॉजिटिव आया, जब उसको जो भेजने की प्रक्रिया हुई, एक तो सब लोग एक्सपोज हो गए हैं, डॉक्टर्स क्वारंटाइन चले गए हैं और सस्पेक्टेड होते हुए भी, और दूसरी बात ये थी कि जब वो पेशेंट को सिर्फ LNGT कराया गया तो जो उसका जो प्रोसीजर है क्रेडिलिया कवर करके एज एनी ओपन ही गया है, एंट्री एग्जिट एक ही है, चाहे पेशेंट का अटेंडेंट हो चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं है। आपसे सर नीता गेस्टो में एक पेशेंट जो डॉक्टर जो आप ही के वहाँ पर गेस्टो में था डॉक्टर नित्यानंद, वो पॉजिटिव आया, उसके संपर्क में कितने लोग आए थे, उसके साथ में कितने लोगों ने काम किया था? संपर्क में नियर अबाउट मेरे को लग रहा है 20-30 लोग हैं, और अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई काम नहीं किया, ना वार्ड को हमारे सैंपल्स लिए गए हैं, ना सैनिटाइजेशन हो रहा है। हम लोग उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि सैनिटाइज करो, वो लोग कह रहे हैं नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बंद नहीं होगा। मेरे वार्ड में इस टाइम 10 पेशेंट हैं, ICU पूरा भरा पड़ा है, पर ये लोग ना सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और ना सैंपल भेज रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं 7 ICU में पोस्टेड हूँ, डॉक्टर नित्यानंद पांडे हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो पॉजिटिव आया, उससे पहले उसको 7 दिन से उसको सिम्टम्स थे कोविड के, फीवर था उसको, कफ था, उसके बाद उसका टेस्ट नहीं हुआ था। टेस्ट उसका लास्ट 27 को उसका टेस्ट भेजा था, उसके बाद 30 को यानी कल उसकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव है। उसके बाद हम लोगों को अभी तक किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है, ना हमारा ICU सैनिटाइज हुआ है, ना ही हम लोगों को क्वारंटाइन भेजा है, ना हम लोगों का टेस्ट हुआ है। अभी तक किसी तरह की हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है। हम लोग उसके बाद भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर भी जा रहे हैं। तो आप उसमें डॉक्टर नित्यानंद के आप डॉक्टर नित्यानंद आपके वार्ड में काम करते जो पॉजिटिव आया है, तो वो PPE किट पहन के काम करते थे और आप बिना PPE किट के काम करते थे? नहीं, वो एक्चुअली उन लोगों को PPE किट अलग से दे रखा है, हम लोगों के पास लिमिटेड PPE किट्स हैं। PPE किट नहीं था ना आपके पास में? आप बहुत से लोग ऐसे थे जो PPE किट पहने बिना काम कर रहे थे? बिल्कुल, हम अभी भी PPE किट के बिना काम कर रहे हैं। तो इसलिए डर ज्यादा है इन्फेक्शन का आपका, है ना, क्योंकि वो डॉक्टर पॉजिटिव था। हम कॉन्टेक्ट मार रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट मार रहे हैं, तो रिस्क हम लोगों की फैमिली को भी है बराबर। हाँ सिस्टर क्या बताइए? यही है कि उस दिन जब वो डॉक्टर नित्यानंद, आप भी गेस्टों में है ना, डॉक्टर नित्यानंद आपके संपर्क में आते थे, आपसे बात करते थे, आपके क्लोज आते थे? हाँ, और उस दिन जिस दिन उनको फीवर कफ था, स्पेशली HOD के सामने बोला गया कि क्यों काम कर रहे हैं जब COVID-19 में ड्यूटी करके आए हैं, तो इनको अलग से बिठाया। अच्छा, वो COVID-19 में ड्यूटी करके आए थे? कहाँ पे? इमरजेंसी में ड्यूटी थी उनकी, इमरजेंसी से वो वहाँ पर आए, तो स्पेशली बोला है, तो डॉक्टर सचदेवा ने तो बोला कि आप उनको कमरे में बिठा दो, लेकिन डॉक्टर आलोक नहीं माने, कह रहे सिस्टर आपको क्या पता कितना फीवर है, आपको पता भी हो, मैं कहते 99.2 ही हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो, पॉजिटिव है, उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको चाहिए एक एजुकेटर होने के नाते, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने जाने के बाद उनसे प्रॉपर काम करवाया और सब लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। जैसा कि हमने देखा डॉक्टर नित्यानंद इमरजेंसी में काम करते थे, इमरजेंसी से कौन स्टाफ है यहाँ पे, इमरजेंसी से कौन है, इमरजेंसी से कौन है, इमरजेंसी में डॉक्टर नित्यानंद थे? इमरजेंसी में डॉक्टर नित्यानंद ने 4 शिफ्ट में काम किया, 4 दिन उन्होंने काम किया है। कितने, अभी आज रिपोर्ट जो पॉजिटिव है उससे कितने दिन पहले काम किया उन्होंने?
हमारे यहाँ रिपोर्ट पॉजिटिव आने से दो दिन पहले तक वो अपने यहाँ काम दो दिन पहले तक वो वहाँ पे काम कर रहे थे और आप लोगों के साथ काम कर रहे थे, आप लोग उनके संपर्क में थे, यानी कि इमरजेंसी का स्टाफ भी ज्यादातर इन्फेक्टेड हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, हमारे यहाँ से 5 लोग जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं और हमने उन लोगों के साथ काम किया है, इंट्यूबेट भी हमने करवाया है उनके साथ। 3-3 दिन हमारे यहाँ रखे जाते हैं सस्पेक्टेड पेशेंट, कहने को तो नॉन कोविड हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे सस्पेक्टेड को रखा जाता है इमरजेंसी में और अन्य वार्ड में शिफ्ट किया जाता है उनको सस्पेक्टेड होते हुए भी। और हमारा एक साथी जो है उसके दो रूम पार्टनर पॉजिटिव आ चुके, हमने यहाँ पे खूब प्रयास किया उसकी जांच कराने का, हो सकता है वो रूम पार्टनर हमारे साथी की वजह से उसके पॉजिटिव आए हों और हमारे साथ भी उन्होंने काम किया है। हमको भी कई दिन से जो है खांसी वगैरह और बॉडी एक और हेडेक जैसे सिम्टम आ रहे हैं, हम लोग खूब प्रयास कर रहे हैं हमारी जाँच कराई जाए लेकिन कोई भी जाँच नहीं करा रहा, ना हमको क्वारंटाइन किया जा रहा है। आज आप लोकनायक हॉस्पिटल में गए थे जाँच कराने, उसका क्या हुआ? लोकनायक हॉस्पिटल में जांच कराने गए, वहाँ पे हमको जो है भगा दिया गया स्वीपर और वहाँ के एनओ वगैरह ने भी हमको धक्के मार के भगाया, पुलिस बुला ली गई और हमको वहाँ पे जांच कराने के लिए खड़ा नहीं होने दिया गया जबकि हमको बताया गया था कि वहाँ पे जांच कराई जाएंगी। ये मिसमैनेजमेंट के द्वारा हमारे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और हमारी जो लाइफ है और हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों की जो लाइफ है उसको भी खतरे में डाला जा रहा है।